हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल के कौन वीडियो में। तो अभी हम लोग हैं काले भैया की दुकान पर, हमें साथ है हमारे प्रशांत भैया। तो मैं जा रहा हूँ अपनी बाइक को आज वॉश कराने, और एक चीज़ आपको सजेस्ट करूँगा यार, बाइक जो वॉश कराते हो ना, ज़रूरी नहीं है किसी बड़े स्टोर से ही साफ कराओ, छोटे मोटे पे कराओ, क्योंकि उन्हें पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है। तो बाइक बहुत ज़्यादा गंदी हो गई, और दूसरा इसका जो कलर है ना यार, ये ऐसा है बहुत जल्दी मिट्टी पकड़ता है। तो मैंने वेवेक्स का पूरी किट ली है, स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, खुद मंगाई है अपनी 600 रुपये के जने 700 रुपये की किट आई है। उसमें हमें मैट पॉलिश मिली है, मैट शैम्पू मिला है, एक क्रोम पॉलिश मिली है, और एक कपड़ा मिला है। तो हर एक चीज़ मैं अभी आपको यूज़ करके दिखाऊंगा अपनी बाइक के ऊपर, और फिलहाल बाइक बहुत ही गंदी कंडीशन में, आगे मैं वीडियो में आपको दिखा दूंगा कैसी कंडीशन होगी, धूल मिट्टी पूरी। और उसके बाद में जब फाइनल लुक मिलेगा पूरा सब कुछ कराने के बाद में, वो भी आपको मैं शो कर दूंगा कि किस तरीके की हमारी बाइक दिख रही है। ये है हमारी पूरी किट जो है वेवेक्स की तरफ से, पॉलिश शैम्पू, और ये हमारी मेटल पॉलिश, और ये क्लोथ के साथ में आता है। अभी कराते हैं वॉशिंग, फिलहाल बाइक की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ कि पूरा ये पॉलिश होने के बाद में कैसी लगती है। तो चलो बाबा, मार दो इसे पानी। तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है वेवेक्स का ऑटो केयर। ये है हमारा मैट शैम्पू, क्योंकि आपको जैसे पता होगा इस बार जो हमारी बाइक आई है क्लासिक की सीरीज़, ये आई है सारी मैट कलर में। तो मैट के लिए शैम्पू हमें लोगों को अलग यूज़ करना पड़ता है, तो ये शैम्पू यूज़ करेंगे, और बताता हूँ इसका रिव्यू पूरा कि कैसा क्या सारा सीन रहता है। गद्दी पे भी डाल लो पूरा। अगर फोम प्रोटेक्शन की बात देखी जाए तो एक नॉर्मल से कपड़े के अंदर देखो इसमें कितना झाग बन रहा है, एक बार इस कपड़े को ऐसे दबा के देखेंगे कितना झाग बन रहा है, पूरा पूरा सारा कपड़ा। तो देख सकते हो, देखो भाई इसमें स्मोक जो है आपका फोम बहुत अच्छी क्वांटिटी में बन रहा है। कर दो बाबा, थोड़ा केड़े हाथ से करिए। तो जो फोम है वो तो यार बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में बन रहा है, इसमें हमने ज़्यादा शैम्पू यूज़ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी जो फोम है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से बन रहा है। बाबा एक काम करियो, गद्दी के ऊपर एक बार ज़रा निचोड़िए इस कपड़े को, देखो फोम इसमें कितना अच्छे तरीके से बन रहा है, ये देखो। तो फोम पूरा लग चुका है, उसके बाद हमने थोड़ी देर इस फोम को लगा छोड़ दिया है, अपने आप ही वो मिट्टी लेके धीरे धीरे टपक रहा है वो फोम। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे पानी, और उसके बाद देखते हैं कि इसके अंदर कैसी शाइन आती है हमारी मैट वाली, और उसके बाद फिर पॉलिश और मेटल पॉलिश, ये बचे हुए प्रोडक्ट्स भी हम लोग इसके ऊपर यूज़ करके दिखाएंगे। तो ओवरऑल अगर क्लोजअप से बात करी जाए तो भाई देखो, शाइन तो इसमें बिल्कुल नहीं आई, जो हमारे शैम्पू नॉर्मल शैम्पू के बाद में आती है, और एक बार कपड़ा लगने के बाद में और अच्छे से पता चलेगा कि इसके जो मैट फिनिश है वो कैसी रही है, फिर इसके जो पॉलिश है और उन सब चीज़ों को भी लगा के प्रॉपर जो पूरा लुक आएगा ना इस बाइक का, वो मैं आपको दिखा दूंगा। फिलहाल हमने पूरा फोम इसके ऊपर से वॉश आउट कर दिया है, अब इसको एक बार सुखा के इसके ऊपर हम लोग लगाएंगे पॉलिश। सुखाने के लिए मैं कई कपड़ा यूज़ करूँगा, क्योंकि हमारा अगर कपड़ा गीला हो गया तो पॉलिश लगने में दिक्कत हो जाएगी। हमारे बाबा के पास में ज़्यादा कुछ अच्छा वाला कपड़ा तो है नहीं, बट जो है उसे केवल हम इसे ड्राई कर रहे हैं, और जल्दी बाबा को मैं एक ऐसा कपड़ा ला के इन्हें गिफ्ट करूँगा ताकि इनके वो चीज़ काम आए। फिलहाल बाइक को हम ड्राई कर रहे हैं, और देखो यार मैट फिनिश कैसी आई, बट ये कपड़े की मिट्टी इसमें लग गई है, तो एक बार बस ये सूख जाए, फिर एक बार इस वाले कपड़े से हम इसको साफ करके फिर मारेंगे इसके ऊपर पॉलिश। तो वॉशिंग के बाद में आप लोग देख सकते हो किस तरीके का इसमें लुक आ रहा है, थोड़ी धूप पड़ रही है जिसकी वजह से थोड़ा शाइनी दिख रहा है, बट बिल्कुल मैट है। हम इस पर अप्लाई करने वाले हैं मैट फिनिश वाली हमारी पॉलिश, और फिर देखते हैं कि इसमें शाइन तो नहीं आती, और हमने निकाल लिया अपना वाला कपड़ा भी। तो चलो करते हैं इसके ऊपर अब मैट पॉलिश। बाबा बाबा आ जाओ, ये वाली पॉलिश लगनी है इस पर, लो करियो इसी कपड़े से, दूसरे वाले से। तो शाइन तो इसमें ना बराबर आई है, बिल्कुल भी शाइन नहीं आई है, और प्रॉपर मैट फिनिश ही है। तो हाँ, हम लोग ये चीज़ तो मान सकते हैं कि ये वाला जो हमारा ये है पॉलिश, ये शाइन बिल्कुल भी नहीं देगा, ग्लॉसी नहीं देगा, बट हाँ क्लीन और मैट फिनिश को बना रहा है, मतलब पूरी बॉडी में मार दो बाबा ऐसे मार दो पूरे। मार दो एक बार कपड़ा। तो जो पॉलिश है वो मैंने इसके जो मैट ब्लैक पार्ट्स हैं उसके ऊपर भी करी है, क्योंकि जो होता क्या है, इंजन जो है धीरे धीरे वाइट वाइट सा होने लग जाता है, और पॉलिश लगने के बाद में देखो यार बिल्कुल मैट ब्लैक, कितना प्यारा सा लुक आने लगा है, हमारी बॉडी भी बिल्कुल मैट ब्लैक है, कोई भी शाइन इसके ऊपर आया नहीं है। अब दूसरी साइड, और इसके ये ब्लैक के जो प्लास्टिक पार्ट्स हैं हम इसके ऊपर भी ये पॉलिश लगवा लेते हैं। लो भैया,
बहुत अच्छी क्वांटिटी में हमने इसको पॉलिश लगा दी और देखते हैं फाइनल रिजल्ट्स हमें इससे क्या मिलने वाले हैं। लगाने वाला हूँ इसके क्रोम पार्ट्स के ऊपर क्रोम पॉलिश, जैसे ये है, ये सारे इसके क्रोम पार्ट्स हैं, इस पर हम लोग लगाने वाले हैं क्रोम वाली पॉलिश और देखते हैं इससे क्या शाइन हमें मिलती है। इसे वही बना लेता भैया के कहाँ पे भैया के क्या हो यार, ये क्रोम वाली पॉलिश है। अब उस समय इस पॉलिश को हम लगा के छोड़ देंगे, आगे लेंगे भैया इससे इसमें आएगी शाइन क्रोम के सारे पार्ट्स में। इन पे मत मारो अभी, रुको। अब पॉलिश लगने के बाद में अपने हाथ से मैं एक बार इसको पूरे पे मार देता हूँ कपड़ा। भाई देखो मेटल पॉलिश तो मुझे कुछ ज़्यादा खास पसंद आई नहीं, क्योंकि इससे इतनी शाइन वाइन तो कुछ आई नहीं है खास, बट एक बार जरा पूरी बाइक पर मैं अपने हाथ से कपड़ा मार देता हूँ, फिर लेके चलते हैं इसे काले भैया की दुकान पर। सराय काले खान ये देखिए जतिन सिंह ये यहाँ पर गाड़ी धो गाड़ी धोते गाड़ी धोते हैं ये यहाँ पर 50 रुपए मिलते हैं इनको। बोल जल्दी से। हाँ मालिक। चल तुझे 20 रुपए मिलेंगे। है तुम्हारे पास? हाँ। ये छोड़ूंगा ना, इसने छोटी बात कर दी है आज। आज मैं इसको दिखाता हूँ पैसे है मेरे पास। 500 का नोट भी है। लाओ मालिक लाओ। नहीं अभी नहीं रुकता मैं। तो अगर आप बात करी जाए फाइनल लुक की तो भाई देखो बिल्कुल मैट फिनिश है, लेकिन देखो यही मिट्टी बहुत जल्दी पकड़ता है ये कलर। ओवरऑल देखो कितना बढ़िया लग रहा है, इंजन के ऊपर भी शाइन आ गई है। दूसरी साइड मैंने खुद से अपने हाथ से पॉलिश लगाई है तो इधर की ज़्यादा अच्छी शाइन है। अब घर जाके इसको और थोड़ा बहुत कर देंगे और प्रॉपर हमारी बाइक बिल्कुल बढ़िया हो चुकी है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, हमारी बाइक बिल्कुल अब क्लीन होकर आ चुकी है। आगे ऐसी वीडियोज़ में और लाता रहूँगा और दूसरा चेन लूप और चेन क्लीन की भी वीडियो मैं बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ। तो फिलहाल आज की वीडियो को बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे लिए नहीं तो हमारे काले भैया के लिए, हमारे प्रशांत भैया के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना।